Zombie apocalypse. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो मेरी दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जो अच्छा नहीं है गाइस, वो जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ। सो गाइस, आज का सिनेरियो कुछ ऐसा होने वाला है कि आज मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज। सो गाइस, चलते हैं आप सीधे जहाँ हमको जाना है। सो गाइस, आज जाना है हमको कॉलेज का टूर करने, क्योंकि आज हम कॉलेज में कुछ यूनिक से दिखाने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से गया भी नहीं हूँ कॉलेज में। ये एक मुझे काम है, क्योंकि मेरी मार्कशीट लेके आनी है जो मैं कॉलेज से। सो गाइस, मैंने सोचा कि आपसे जाते जाते थोड़ी बात कर ली जाए। सो गाइस, आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था। सो गाइस, डिप्रेस इसलिए होता है क्योंकि मुझे ना यार कसम से मैं इतनी सारी वीडियो बना चुका हूँ, कोई रिस्पांस नहीं मिला था ना, इसलिए मैं डिप्रेस हो गया था। इसलिए मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी। इसलिए सो गाइस, ये वीडियो डिले आने वाली है, क्योंकि मुझे मालूम है ना मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने जब बोला कि मैं YouTube में काम नहीं करूँगा, तो घर वाले बोलने लग गए, अच्छा बेटा इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब तू YouTube में काम नहीं करेगा। मेरे दोस्तों ने भी समझाया मेरे को कि दलीप मान जा, ऐसा मत कर। बहुत बहुत रोया मैं यार, पूरे दिन रोया। फिर उसके बाद मेरी हिम्मत बढ़ी, उसके बाद जाकर मैं ये अपना हेलमेट और ये GoPro लेके आया हूँ, और उसके बाद मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। कसम से पूरा ही टूट चुका था, क्योंकि मुझे कसम से बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था यार। कसम से ऐसा लग रहा था ना यार, कर क्यों रहा हूँ मैं ये सब कुछ, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों दिखा रहा हूँ मैं सबको यार, ये ऐसे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है यार। मेरी किस्मत है, मुझे मालूम है, पता नहीं क्या हो गया यार। इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो मैं फिर मेरे दोस्तों ने समझाया, करण ने समझाया, मेरा नेवर है वो, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त भी है, उसने मेरे को समझाया कि भाई यार छोड़ दे, छोड़ मत, काम करता रहे, टेंशन बदले, एक दिन ज़रूर होगा। बोलते नहीं है कि एक दिन ज़रूर आता है वो, उसने मेरे को ये बोला। उसने मेरे को इतना आश्वासन दिया ना, मेरे को मेरा भरोसा, मेरा मनोबल टूटने से उसने बचा दिया। मैं दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ बंदे को। और मैं अब ब्लॉगिंग, मेरे वीडियो आती रहेगी, जैसे आती है आप उसकी टेंशन बदलो। मैं यूट्यूब क्विट नहीं कर रहा, वो आपके साथ प्रैंक मान लो या कुछ और मान लो, तो मैं अब वीडियो लाता रहूँगा, और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बस हमारे चैनल पे मिलेगी, टेंशन नॉट। दिस इज अ कॉलेज, नहीं स्कूल लाइफ। सो गाइस, पहुंच चुके हैं हम रामनगर। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो गाइस, कॉलेज जा रहे हैं, और कॉलेज में देखेंगे हम हसीना, रुबीना, टंटन, जो भी। तो गाइस, बहुत सारी लड़कियां देखेंगे आज, असली लो वाली हरकत कर रहा है दलीप। मान जा बेटा, मान जा। सो गाइस, पहुंचने वाले हम अपने स्वीट से कॉलेज आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। हम आ चुके लखन पूछूंगी। सो गाइस, आ चुके हम कॉलेज अपने। सो गाइस, कॉलेज का नज़ारा ही कुछ अलग होता है, देख रहे हो एवरीवन। अलग ही पहुंच चुका है गाइस कॉलेज, कुछ ज़्यादा भीड़ हो रही है। और छोड़ो, एक ही 7 आराम से आया करो, आराम से, ठीक है, ऐसे मत पार करा करो, चोट वोट लग जाएगी। आराम से ठीक है। तो गाइस, फाइनली हमने कॉलेज में जो करना था काम हो चुका है। मैंने अपनी मार्कशीट लेनी थी, मैंने ले ली। सो गाइस, मैं दिखा दूंगा आपको मार्कशीट, मेरे कितने नंबर आए। सो ज़्यादा खास नंबर तो नहीं आए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है सेकंड डिवीज़न आई है गाइस। सो
थोड़ा यहाँ का व्यू भी देख लो आप लोग। देन चलते हैं अब। यहाँ बड़े खतरनाक रहते हैं भाई। तो गाइस चलते हैं सीधा, अब सीधे देन घर, जो काम था कर लिया हमने, अब सीधे निकलते हैं घर की तरफ। और दलीप भाई क्या हाल है? और इसपाल तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सेटिंग के साथ आया था यार। चले गए वो घर अब। मैं, तू कहाँ से आ रहा है? मैं कॉलेज से आ रहा था यार, मार्कशीट लेके आया था अपनी। मैं भी पहले कॉलेज ही गया था, उसके बाद मिल गई थी सेटिंग, तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अब घर ही जाने से। के साथ रहा है? चल बैठ। चले फिर। और क्या हुआ कॉलेज में? अरे कुछ नहीं यार, बस मार्कशीट लेने गया था अपनी। बीए कंप्लीट हो चुका है मेरा, बस अब सीधे जा रहा हूँ घर। मैंने कहा इधर से घूम के आया था ना मैं, तू मिल गया मेरे को इतने में। हाँ मैं यार आया था 12 बजे के टाइम आया था, मेरे को काम कुछ नहीं था, मेरे को तो बस मार्कशीट लेनी थी अपनी, थोड़ा बस मार्कशीट लेके मैं सीधे निकल के आ गया। फिर चलते हैं आप घर।